मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है, जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली। इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पर यह जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के, श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी? जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में यह स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है कि चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सत्य यह है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में, कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की,
उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है, जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की उनका संबंध जोत सरोज से है। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है?